संतान राशिफल अप्रैल 2023 किस दिन होगा आपको गर्भधारण, किस दिन आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, अब हर सूनी गोद में होगा बच्चा। जी हां, ग्रहों के इस प्रकार के योग बन रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि वाली जो महिलाएं हैं उन्हें किस दिन गर्भधारण होने का पावरफुल योग ग्रहों के योग से बन रहा है वो तारीख मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आ गया हूं। साथ ही ऐसा उपाय जिसे करने से आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ये जो संतान राशि फल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इससे पहले एक बात आप जान लीजिए, अगर आपकी कुंडली में ग्रह के योग संतान के बारे में बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो शायद हो सकता है कि इन तारीखों में आपको प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, लेकिन ग्रह योग बहुत अच्छे हैं तो 100% आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में संतान का सुख है या नहीं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। मैं आपकी जन्म कुंडली को देखकर बताऊंगा कब होगी आपको संतान की प्राप्ति, लड़का होगा या फिर होगी लड़की। सबसे पहली संतान क्या रहेगी, क्या आपको भाग्यशाली संतान मिल पाएगी, तो चलिए राशि फल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाली महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं की मेष राशि है आपकी राशि का स्वामी होता है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के योग और देवगुरु बृहस्पति के संयोग से अप्रैल 2023 के महीने में 22 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में आपको गर्भधारण करने का अच्छा और पक्का योग नजर आ रहा है। अगर इस समय आप गर्भधारण करेंगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी और आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। और क्या उपाय आपको करना है वो भी आप जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का नियमित अप्रैल के महीने में पूजन करें और भगवान से आशीर्वाद में संतान का आशीर्वाद मांगे, इससे आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बात करेंगे वृषभ राशि वाली महिलाओं की। जिन महिलाओं की वृषभ राशि है आपकी राशि राशि चक्र के दूसरे नंबर की राशि होती है और आपकी राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह के योग और साथ ही संतान प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण योगों में वो तारीख है जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट अप्रैल के महीने में मानी जा रही है। 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसा ग्रह के योग से बहुत ही पावरफुल योग इन तारीखों के मध्य में बन रहा है। और आपको उपाय क्या करने हैं, गणेश जी को चना और गुड़ का नैवेद्य लगाना है और उस प्रसाद को आपको खुद को ग्रहण करना है। इस प्रकार से अगर आप उपाय करेंगे तो अप्रैल के महीने में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत ज्यादा योग नजर आ रहे हैं। गजानंद महाराज की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। आगे बात करेंगे मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए। जिनकी राशि मिथुन है, राशि चक्र की तीसरे नंबर की राशि है, राशि का स्वामी होता है बुध ग्रह और बुध ग्रह के योग संयोग से अप्रैल 2023 के महीने में आपको 7 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में अप्रैल के महीने में प्रेगनेंसी का पूर्ण योग बन रहा है। अर्थात इन तारीखों में आप अगर गर्भाधान करेंगे तो आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। आपके लिए बहुत शुभ और पावरफुल तारीखें हैं। आपको क्या उपाय करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस उपाय को करके आप संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। माता जी को लाल श्रृंगार अगर आप चढ़ाएंगे किसी भी बुधवार के दिन अपनी राशि के अनुसार तो आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, आपको शीघ्र संतान का लाभ मिल जाएगा। आगे बात करेंगे हम कर्क राशि के विषय में। राशि चक्र की चौथे नंबर की राशि है और इस राशि का स्वामी है स्वयं चंद्रमा, और चंद्रमा देव के ग्रह योग से संतान से संबंधित जो तारीखें निकल कर आ रही जिस समय आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में ग्रह गोचर में योग आपके लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस समय आपको संतान की प्राप्ति के लिए पूर्ण योग नजर आ रहे हैं। आपको उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु को दही से स्नान कराएं, उनका दही का लेप भगवान विष्णु के ऊपर करें, नित्य दही उनको चढ़ाएं, अभिषेक करेंगे तो आपको भी शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रह के योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। आगे बात करेंगे राशि चक्र की पांचवें नंबर की राशि सिंह राशि के विषय में। आपकी राशि का स्वामी है सूर्य और सूर्य अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा ताकतवर रहेंगे, अर्थात अपनी मेष राशि में गोचर करेंगे, और सूर्य के ग्रह गोचर और योग के अनुसार आपको संतान प्राप्ति के लिए 25 अप्रैल से
30 अप्रैल के बीच में प्रेगनेंसी का 101% योग बन रहा है। अगर इस समय आप गर्भाधान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। उपाय आपको क्या करने हैं वो भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को पीले चावल चढ़ाना है। जी हाँ, चावल को हल्दी आदि में पीले करके भगवान शिव और पार्वती के सम्मुख आपको ये चावल प्रतिदिन चढ़ाने हैं और भगवान शिव से संतान के लिए प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपके घर में संतान का सुख होगा और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। आगे बात करेंगे कन्या राशि वाली महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं की कन्या राशि है, आपकी राशि राशि चक्र के 6वें नंबर की राशि और राशि का स्वामी है बुध, और बुध ग्रह के योग से ग्रह गोचर के अनुसार 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आपको प्रेगनेंसी का गर्भधारण का सबसे अच्छा और पावरफुल योग नजर आ रहा है। अगर इन दिनों में आप गर्भाधान करेंगे, नियमित रूप से संतान के लिए प्रार्थना करेंगे और संतान प्राप्ति की कामना करेंगे तो आपको भी संतान का सुख मिल जाएगा, आपके घर में भी खुशियां आ जाएंगी। उपाय आपको क्या करना है, 11 नारियल 11 ब्राह्मणों को कुछ भेंट द्रव्य दक्षिणा रखकर भगवान के मंदिर में जाकर 11 ब्राह्मणों को दान करना है। इससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और ब्राह्मणों से संतान के लिए प्रार्थना करें, 100% आपके लिए संतान के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। बात करेंगे तुला राशि की। राशि चक्र के 7वें नंबर की राशि और इस राशि का जो स्वामी है वह है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह के योग से ग्रह गोचर के अनुसार आपको 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में संतान प्राप्ति के लिए प्रेगनेंसी कंसीव होने का गर्भधारण करने का पावरफुल योग नजर आ रहा है। इन तारीखों में आपको 100% प्रेगनेंसी रुक जाएगी और आपको भाग्यशाली संतान उत्पन्न होगी। उपाय आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर पीले वस्त्र दान करेंगे तो आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। आगे बात करेंगे हम वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं की वृश्चिक राशि है, आपकी राशि राशि चक्र के 8वें नंबर की राशि और राशि का स्वामी बनता है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के गोचर और ग्रह योग के अनुसार मुझे अप्रैल 2023 में आपके लिए 18 से 27 तारीख के बीच में अप्रैल के महीने में प्रेगनेंसी गर्भधारण का पूर्ण योग नजर आ रहा है, और इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके घर में संतान का सुख आ जाएगा। उपाय क्या करना है आपको वो भी जान लीजिए। नहाने के पानी में हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। प्रतिदिन अप्रैल के महीने में स्नान करेंगे तो आपको भी संतान सुख जल्दी ही मिल जाएगा, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। बहुत लंबे समय से संतान का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो इस महीने हो सकता है कि आपका इंतजार पूरा हो जाए। आगे बात करेंगे धनु राशि वाली महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं की धनु राशि है, राशि चक्र के 9वें नंबर की ये राशि है, राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति सूर्य के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं आपको भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा और पावरफुल योग मुझे नजर आ रहा है। 7 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में आपको गर्भधारण हो सकता है, प्रेगनेंसी रुक सकती है, और उपाय आपको क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। बेसन के लड्डू भगवान विष्णु या शिव के मंदिर में 108 लड्डू अगर आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी संतान की मनोकामना पूरी हो जाएगी और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। आगे बात करेंगे मकर राशि वाली महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं की मकर राशि है, राशि चक्र के 10वें नंबर की राशि है और राशि का स्वामी होता है शनिदेव, जो अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव के ग्रह गोचर के अनुसार जो है मकर राशि वाली महिलाओं को 9 तारीख से 18 तारीख के बीच में संतान प्राप्ति का अच्छा और पावरफुल योग बन रहा है। इस समय गर्भाधान होने से गर्भ ठहर जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए उपाय आपको करना है, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, चावल की खीर बनाकर भगवान सूर्य को नैवेद्य लगाकर प्रत्येक रविवार आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। इससे आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी और बहुत लंबे समय से संतान के लिए इंतजार है तो 100% गर्भ रुक जाएगा और आपको भी भाग्यशाली और दीर्घायु संतान प्राप्ति होगी। बात करेंगे कुंभ राशि वाली महिलाओं की। जिनकी राशि कुंभ है, ऐसी महिलाएं जो अप्रैल 2023 के महीने में 22 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इन्हें संतान की प्राप्ति का पूर्ण योग नजर आ रहा है। अगर इस समय आप गर्भाधान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, गर्भ ठहर जाएगा और वो संतान आपको
भाग्यशाली दीर्घायु और आरोग्यवान ऐसी संतान जो रोगी नहीं रहेगी ऐसी संतान की आपको प्राप्ति होगी। उपाय आपको क्या करना है, नियमित श्री यंत्र का पूजन करना है, श्री यंत्र पर लाल फूल चढ़ाना है और माता जी का स्मरण करके माता जी से प्रार्थना करके संतान की कामना आपको करनी है। इससे निश्चित रूप से आपको संतान का लाभ मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वाली महिलाओं की। राशि चक्र की 12वें नंबर की राशि है, अंतिम राशि है और मीन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति के ग्रह गोचर और योग से नजर आ रहा है कि आपकी अपनी राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति जो है सूर्य के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, अर्थात आपके सेकंड आपकी राशि से सेकंड हाउस में चले जाएंगे, जो धन का भी कारक होता है और पुत्र धन माना जाता है। तो 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में मीन राशि वाली महिलाओं को गर्भधारण हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है और आपको भी भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करना है, प्रत्येक गुरुवार को व्रत करना है, पीला भोजन करना है और एक ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान जरूर करें, इससे आपको भी शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये रहा मेष राशि से लेकर मीन राशि वाली महिलाओं के लिए संपूर्ण राशिफल जो मैंने आपको बता दिया है। और उन सभी लोगों को बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे पिछले महीनों के राशिफल को सुना, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझे कॉल करके बताया कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई, जो तारीख है मैंने उन्हें बताई थी उन्हीं तारीख में उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई और आज उनके घर में खुशी का माहौल है। जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे खुशियों के लिए, उनके घर में वो खुशियां आ गई हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपको कब संतान की प्राप्ति होगी, आपके भाग्य में संतान है या नहीं है, है तो कब आपको संतान की प्राप्ति होगी, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और संतान से संबंधित जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे जान लीजिए। और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ऐसा कौन सा उपाय है या किस दोष के कारण आपको संतान नहीं हो रही है, किस उपाय के करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा 100%। अगर आपकी कुंडली में थोड़ा भी संतान प्राप्ति का योग है तो भगवान की कृपा से वो योग पूरा बन जाएगा और आपके घर में भी खुशियां आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप मेरे नियमित वीडियो को जरूर देखें। मैं आपके लिए राशिफल, आपके लिए उपयोगी वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शायद इन उपायों से और इन तारीखों से आपके कारण आपके परिवार में, आपके परिचित लोगों में किसी ना किसी की गोद जरूर भर जाएगी, जिनकी गोद सोनी है शायद ये उपाय उनके काम आ जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक इन महत्वपूर्ण तारीखों को, इन ज्योतिष के संतान राशिफल को पहुंचाने की कृपा करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।